एक सीक्रेट गेमिंग रूम और देखना ये है कि क्या मेरी मम्मी मेरे सीक्रेट गेमिंग रूम को ढूंढ पाती है या नहीं। गाइस सबसे पहला टास्क है कि मुझे अपने इस बड़े से घर में अपने लिए एक सीक्रेट रूम ढूंढना है। आ जाओ पहले रूम ढूंढते हैं। इसमें जगह तो है पर अगर यहाँ बनाए तो यार डेफिनेटली बहुत जल्दी पकड़ी जाऊंगी। सामान रखने की जगह नहीं है, सीक्रेट रूम कहाँ से बनेगा। और पूरे घर में छानबीन करने के बाद फाइनली मुझे एक जगह मिल ही गई, पर उस रूम को सीक्रेट रूम बनाने के लिए अभी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस रूम को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको साफ करने में ही मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे ये सीक्रेट रूम मेरी मम्मी के आने से पहले बनाना था। सबसे पहला टास्क है हमारा इस बाथरूम को साफ करना, और इस गंदगी को साफ करना मेरे अकेले की बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने बुला लिया अपनी पूरी टीम को। बैंड बज गई। यार, एक काम करने जाते हो दूसरा अपने आप ही बिगड़ जाता है। मग्गा लो मग्गा, आई वांट मग्गा। रूम की सफाई तो हमने कर दिया और अब हमारा अगला टारगेट है इस रूम को बिल्ड करने का। और इस रूम को बिल्ड करने के लिए हमको सबसे पहले रेडी करना था इसका बेस, और जिसके लिए मैंने यूज करे यहाँ पर थर्माकोल शीट्स, और इस थर्माकोल की शीट को मैंने ढक दिया इस ब्यूटीफुल सी मैट से। गाइज हमारे रूम का बेस तो तैयार हो गया है, अब टाइम है अपने रूम में एलिमेंट्स ऐड करने का। DIY करके रूम तो हमने रेडी कर लिया था, पर अभी भी मैं टेक्निकल चीजों से कोसों दूर हूँ, तो इस गेमिंग सेटअप के लिए हमने बुलाया इस टेक्निकल गुरुजी आयुष सिंह को। गाइस सीक्रेट गेमिंग रूम तो मैंने बना लिया है पर अभी भी ये 100% सीक्रेट नहीं हुआ है, तो मैंने मंगवाई ये ब्लैक कलर की एकॉस्टिक फॉर्म। इसको हम गेट के ऊपर चिपकाने वाले हैं ताकि किसी को भनक भी ना लगे कि इस फॉर्म के पीछे कोई दरवाजा भी है और दरवाजे के पीछे कोई सीक्रेट गेमिंग रूम भी है। हमने ये मंगवा तो लिया है, बट इसे लगाना कैसे है, ये लगता कैसे है, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और भाई लगेगा नहीं लगेगा अभी वो तो DK की हेल्प के बाद पता चलेगा। भाई कर देगा ना? भाई पूरी कोशिश है और लगा दूंगा, मुझे आता है। गाइस इतनी मुश्किल चीजें करते हैं, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब टू निशु तिवारी व्लॉग्स और 2 मिलियन करवाओ। वो मुझे पकड़ाओ, अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो, जितना बोलूंगा करना। गेमिंग रूम मेरा, मेहनत सारी मैंने करी, एक फॉर्म लगाने के लिए बुलाया उसमें भी मुझे असिस्टेंट बता दिया। चलो ठीक है लगा लेना। अरे नहीं आजा, अब जितना बोलूंगा बिना कुछ सवाल करे करते जाना। ओके यस सर। और गाइस बहुत देर कोशिश करने के बाद मुझे अपना ये एकॉस्टिक फॉर्म वाला आइडिया फेल होता दिख रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी ये चिपक ही नहीं रहा था। अरे यार ये सही में कुछ और करना पड़ेगा इसका, ऐसे में तो तुम वहाँ अंदर हो और ये जैसे अंदर गई और ये नीचे आ जाए। और बहुत सारा टाइम और फेविकोल लगाने के बाद फाइनली ये किसी तरह चिपक गया। तो गाइज अब टाइम है मेरे अपने सीक्रेट गेमिंग रूम में अंदर जाने का। तो गाइज फाइनली मैं अपने सीक्रेट गेमिंग रूम में अंदर आ चुकी हूँ, और मेरे अंदर आने के बाद मेरी टीम बाहर इस रूम को पूरी तरीके से हाइड कर रही है, जिससे थोड़ा सा भी अंदाजा ना लगे कि भाई इस फॉर्म के पीछे कोई रूम एग्जिस्ट भी कर रहा है। भाई बेस्ट काम होना चाहिए, इतना बेस्ट होगा, हो सकता है तुम अंदर से बाहर ही ना पाओ इसके बाद। भाई इतना भी नहीं यार, कहीं मैं काल कोठरी में फंस ना जाऊं। All set. तो गाइस फाइनली हमारा ये रूम रेडी हो चुका है, अब देखते ही हैं कि क्या मेरी मम्मी मेरे सीक्रेट रूम को ढूंढ पाएंगी या नहीं। बाकी जब तक मेरी मम्मी आती है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल करके अपना ये रूम दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है ये मेरा रहस्यमय कमरा। हाय हाय, क्या हो गया, तो रो क्यों रही है? कुछ नहीं यार भाई, अविनाश से लड़ाई और मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, जब भी हम शादी का प्लान करते कुछ ना कुछ हो जाता है। अबे इसका सॉल्यूशन मैं तेरे को बताती हूँ, मैं तुझे एक लिंक दे रही हूँ उस पे क्लिक करके एस्ट्रोटॉक पे एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है उनसे बात कर, और भाई उनसे पूछ के आखिर ये सारी प्रॉब्लम भाई हो क्यों रही है, बंदा शादी करेगा या नहीं करेगा वो तुझे सब बता देंगे। और सुन फर्स्ट चैट ना बिल्कुल फ्री है, तो पैसों की भी टेंशन मत लियो। भाई मेरी लाइफ में भी यार ऐसी कोई रैंडम प्रॉब्लम आती है ना मैं खुद एस्ट्रोटॉक पे जाकर एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेती हूँ, मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है यार, ये तो काफी सही लग रहा है, मैं भी कर लेती हूँ उसको।
तो। हाँ भाई, अगर तुम लोगों की लाइफ में भी प्यार मोहब्बत या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो तुम लोगों के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेना। और फर्स्ट चैट तुम सबके लिए भी फ्री है, तो चेकआउट कर लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सीक्रेट रूम कैसा बना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इतनी ग्रीनरी कर दी है ना, इतना हरे भरे पौधे नकली है बट ठीक है। और भाई गेमिंग रूम है तो गेमिंग से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स तो होने चाहिए, ये मुझे आता नहीं है खेलना बट ठीक है। और भाई यूट्यूबर है तो ये यूट्यूब का एक कुशन भी रखा है हमने ऐसी सजावट के लिए। और यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स रखे हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे गाइस। और भाई ये रहा पूरा मेरा गेमिंग सेटअप, भाई गर्मी ना लगे उसके लिए मैंने अपने लिए यहाँ पे लगा रखा है एक पंखा। गेमिंग रूम है यार, गेम भी खेलेंगे, वीडियो भी देखेंगे, सब करेंगे। और यहाँ मैं अपनी मम्मी का वेट ही कर रही थी कि तभी मुझे आयुष ने बताया कॉल करके कि मेरी मम्मी जो है वो बाहर है। और अब देखना ये है कि क्या मेरी मम्मी मेरा ये सीक्रेट गेमिंग रूम ढूंढ पाती है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे निशु की मम्मी यानी कि आंटी आ गई हैं। और आंटी, निशु ने इस घर में बनाया है एक सीक्रेट कमरा, अगर आपने उस कमरे को 15 मिनट में ढूंढ दिया तो आपको मिलेगा एक इनाम। कोई भी होगी मैं ढूंढ लूंगी। आपका टाइम शुरू हो गया, 15 मिनट है, चलो ढूंढो। इसमें तो नहीं है। क्या लगता है आंटी, आप ढूंढ दोगी? ढूंढ लूंगी। कॉन्फिडेंट है? डरे नहीं है। इधर भी ढूंढ रही है आंटी? नीचे तो है नहीं। आंटी तेज भागनी है, इतनी तेज आंटी आज तक कभी नहीं चली। लिफ्ट में तो नहीं है? लिफ्ट तो बंद पड़ी है कई साल से। इसकी मशीन के अंदर देख लो। नहीं, मशीन में कहाँ होगी, क्या पता मशीन के अंदर कमरा बना दिया। वॉशरूम तो खुद ही एक रूम है आंटी, वॉशरूम में क्या रूम बनेगा, फिर देख लो। अंदर पॉट सीट में देख लो, उसकी फेवरेट जगह है। अरे मिल जा निशु। अलमारी की आवाज आ रही है, अलमारी की। बेड पे देखो डबल सिक्योरिटी करी हुई है। अरे नहीं भरा हुआ है। नहीं है बेड के अंदर, दूसरे बेड के अंदर हो, क्या पता। भाई मैं गेट के पास नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है मैं गेट के पास बोलूंगी तो आवाज ना चली जाए। फिर कमरा किधर बनाई है भाई? 11 मिनट बचे अपने पास, किचन में देखते हैं। आंटी अभी बता रहा हूं, बोतल में देख लो क्या पता इसमें हो। निशु मिल जा, किधर गई मम्मी? ना मेरे को लग रहा है इसी रूम में आगे की तरफ। जल्दी पैक कर, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। अरे निशु मिल जा मेरे को, इनाम का सवाल है। निशु मिल जा मेरे को। अरे निशु मिल जा, इनाम का सवाल है। इसमें तो नहीं है। किधर देखू बाबा? पूरा घर बाकी है अभी तो, ऊपर भी तो है घर, ऊपर छत पर सबसे ऊपर। छत की चाबी लेनी पड़ेगी, चाबी नहीं। अरे चाबी कहाँ? मुझे लग रहा है इस रूम से गए, इस रूम से गए। आंटी थोड़ा धीरे चलो, मेरी उम्र तो देखो यार। कोई है, कोई है, कोई है, गेट के पास कोई है। सुनो आवाज मत करना, वो लोग छत पे गए हैं अभी तुरंत, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, धीरज है धीरज है, धीरज था, बच गई बच गई। अरे भाई मिल जा निशु, मिल जा। नहीं है? ये देखो मिल गई, मिल गई, मिल अरे गई। नहीं मिला। नहीं इधर भी नहीं है। भाई देखते हैं क्या मेरी मम्मी मुझे ढूंढ पाएगी या नहीं। नेशन वांट्स टू नो। आ जाओ हम नीचे ढूंढते हैं। नीचे आगे, नीचे आगे। 4 मिनट बचे हैं तो आपको बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ। इसी फ्लोर पे है, कमरा बना रखा है, कंप्यूटर रख रखा है और बैठी है, मजे कर रही है, ऐश कर रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है गाइस, अगर आपको भी आ रहा है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। मैं इस वीडियो पे एम करती हूँ पूरे 1.5 लाख लाइक। इधर एक बालकनी है, क्या पता उसको कमरा हो। बालकनी में देखो। कौन सा बालकनी? मैं ये बालकनी इधर आगे 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 आगे। एक मिनट रुको, मैं यहाँ देखती हूँ। अरे निशु मिल जा। मेरी मम्मी पता बार बार क्या बोल रही है, बोली अरे निशु मिल जा, अरे निशु मिल जा। अब बचे हैं सिर्फ 2 मिनट और सबसे बड़ा हिंट ये है कि इसी रूम में है। इस फ्लोर के अंदर बताया था ना पहले, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसी कमरे के अंदर है निशु, एक कमरा बना के। इस कमरे में कहाँ कमरा बन सकता है जल्दी से देखो। कुछ छूट रहा है, ये काला काला, ये तो नहीं कुछ फेंक कर रखा हो या छूट रहा हो मेरे से। शौचालय कहाँ है यहाँ के? कोई तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, था तो इसी घर में, दिख नहीं रहा है। ये सब चुका रहा है ना तो मुझे दिख नहीं रहा है। हटाओ ये सब, देखो इसमें 1 मिनट बाकी है जल्दी से। आंटी भी याद आ गया कि यहाँ पे शौचालय तो वो क्यों नहीं दिख रहा। हाँ दोनों आंटी जिसकी से ये पैक रखे है ना। मिल गए 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 मिल ग
वो जो टॉयलेट मेरे को पहले देखे थे ना, वो अभी दिख नहीं रही है, जो चिपका रखे थे मुझे वही नहीं दिख रहा था। देखो ना अंदर पूरा क्या बनाया हुआ है सिस्टम इसमें। हाँ, कंप्यूटर रखी हुई है इसी में, और वो छोटा सा पंखा भी लगा रखी है अपने लिए, हवा भी ले रही है, बाबा मजे ले रही है इसमें। पूरे 15 सेकंड बाकी बचे थे सिर्फ जब आंटी ने निशु को। तुम कहीं पे छुपोगे ना, आसमान पहाड़ में ढूंढ कर निकाल लूंगी। अभी नाम के बारे में जो नाम दो मेरे भाई, मैं ढूंढ के निकाली हूँ। इसमें सिर्फ यही चैलेंज था कि एक माँ जो अपनी बेटी से इतना प्यार करती है, क्या वो ढूंढ पाएगी? इनाम भी नाम नहीं है, इनाम दो या मत दो, इनाम का लालच नहीं है, हम तो बेटी से प्यार करते हैं, इनाम तो थोड़ी ना प्यार करते हैं। ये महिला कैमरा बंद होते ही पैसा मांगेगी मेरे से। अभी ये माँ के लिए एक लाइफ जरूरी है देना भाई, और मेरी बेटी के लिए ढूंढ के लाया। गाइस सब्सक्राइब, गाइस सब्सक्राइब करो, अभी तक मजाक कर रहा था, सब्सक्राइब करो यार, इनाम लेने जा रहे हैं।